खुददारी पाजी दौलत आए, मेहनत ही पाजी कमाई आए। इन जुस्तुजु आई लगन से इज्जत दुनिया में बनाया यूं। वड्डे दिलवारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए। और ये जो आज इन्होंने प्रोजेक्ट की जो इब्तिदा की है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये प्रोजेक्ट और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा और जो गरीब लोग जो नादार लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक के प्रोजेक्ट है। और तमाम लोगों का शुक्रिया जो आए हमारी कपड़ा मार्केट की तरफ से, जो जो मेहमान हैं तमाम लोगों का शुक्रिया। दारुल हुसैनिया से हमारे डॉक्टर कारी रशीद साहब आए, उम्मा वेलफेयर से अब्दुल रजाक बेली साहब आए, जो जो मेहमान आए हलारी मेहमान जमात की तरफ से उन सब का तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से अल्लाह की मेहरबानी से आजकल के दौर में ये देखा जाए कि लोग जो दुनिया के झमेलों में दुनिया के अपने ख्वाहिशों के अंदर मगन हैं, उस लोगों के अंदर इस दौर के अंदर आज उस्मान भाई है लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के अपने इनकी इंटेंशन यही है कि मैं लोगों की खिदमत अंजाम दूँ। एक इन्होंने सोशल इदारा इन्होंने जो खोला है और एक नेक नियती से जो इन्होंने खोला है, इस चीज़ की तो मैं खुद गवाही भी देता हूँ इस चीज़ की। हम इस मकसद में इंशाल्लाह अपने तमाम डोनर्स का, कपड़ा मार्केट का ख़ास करके और उपलेटा यान मार्केट का ख़ास करके अपने लोगों का, जिसमें किसी भी ऐसा नहीं है कि ये सेंटर कोई मेमनों ने बनाया है। मैं ये समझता हूँ कि चिन्योट बरादरी ने भी, पंजाबी सौदागरान ने भी और सारी बरादरी ने भी हमें, इवन इस्माइली बरादरी ने भी सपोर्ट किया है और हमको कराची के तमाम ग्रुप से ताउन मिला है। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं अपना इन तमाम लोगों के, उपलेटा मेमन एसोसिएशन के, कपड़ा मार्केट के, यान मार्केट के डोनर्स का, अपने चिन्योटी भाइयों का, अपने कारोबारी बिरादरी के और लोगों का, अपना इस्माइली बिरादरी का। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल की तवील मेहनत के बाद हम ये सेंटर बनाने में कामयाब हो गए। मंजिल पोते चूमे ती कदम जिडा भी विनूता असा। और जिन जिन लोगों ने इस पर तन मन धन अपना माल लगाया है, अपने इखलास लगाया, अल्लाह इसको दुनिया आखिरत की भलाइयां भी दे, कामयाबियां भी दे, कामरानियां भी दे, अल्लाह अपनी रजा वाले काम कराए, अपनी नाराजगी वाले कामों से बचाए और कयामत तक जितनी खैर अल्लाह ताला ने फैलानी है तमाम खैरों में अल्लाह ताला हमें भी साथ फरमा, हमारी नस्लों का ताला फरमाए, और जितने बुराई के काम इस ज़मीन पर ख़त्म होने अल्लाह उसके लिए हमें कबूल फरमाए। मैं एज ए चेयरमैन प्रेसिडेंट उपलेटा मेमन एसोसिएशन इनको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ एक कायम की है और इससे तमाम लोगों को बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, कराची के लोगों को।